देश में कोरोना की दूसरी लहर जब अपना कहर बरपा रही थी, लाखों लोगों की जान जा रही थी, तो सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि 5G की टेस्टिंग होने की वजह से इतने लोगों की जान जा रही है। हालांकि कुछ ही दिनों में ये दावा झूठ भी साबित हो गया, लेकिन 5G की टेस्टिंग के लिए एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। भारत में 5G का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि जुलाई से ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 5G के ट्रायल को लेकर जूही चावला अब अदालत पहुंच गई हैं। दरअसल जूही चावला ने अदालत में अर्जी डाली है कि भारत में टेलीकॉम कंपनीज को 5G ट्रायल करने से रोका जाए। लेकिन जूही चावला ने ऐसा क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियां सरकार से भारत में 5G ट्रायल की मांग कर रही थी। इस मांग को मई की शुरुआत में सरकार ने मान लिया और आखिरकार ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिए कि वो 5G ट्रायल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रखें, बल्कि गांव, कस्बों, छोटे शहरों के इलाकों में भी इसका ट्रायल किया जाना चाहिए। इस काम के लिए सरकार ने कंपनियों को 6 महीने का वक्त भी दिया है। इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, MTNL जैसी कंपनियां इस ट्रायल का हिस्सा हैं। इन कंपनियों का 5G उपकरणों के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाइप है। हालांकि चाइना से खराब रिश्तों के चलते इस ट्रायल में किसी भी चाइनीज कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। स्पीड की बात करें तो 5G इंटरनेट 4G इंटरनेट से लगभग 100 गुना तेज होता है, जिसका मतलब है कि 5G आने के बाद ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें भी धीरे धीरे कॉमन होती चली जाएंगी। अब चलिए आपको पहले ये बता देते हैं कि जूही चावला ने आखिर रोक लगाने की मांग क्यों की है। जूही चावला इस मामले को लेकर अदालत में पहुंच गई है, जिस मामले पर कल सुनवाई भी हुई। जूही का मानना है कि 5G का आना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। इस बारे में बात करते हुए जूही चावला ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिवाइस इस्तेमाल करने में मजा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ ही हम लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस में ही बने रहते हैं। जब हमने इन उपकरणों और नेटवर्क टावर्स से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में रिसर्च की, तब हमें कई पर्याप्त कारण मिले जो ये साबित करते हैं कि रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। जूही चावला ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात तो कह दी, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि 5G टेस्टिंग जब होगी तो उससे कैसे रेडिएशन निकलेंगे और वो कितने हानिकारक होंगे। 5G टेस्टिंग से जो रेडिएशन निकलते हैं, उसका मतलब होता है कि एनर्जी का किसी सोर्स या स्रोत से बाहर आना। ऐसा हर ऊर्जा के स्रोत से होता है, मतलब आग जलती हो तो उससे गर्मी निकलती है। इसे भी शरीर के हिसाब से रेडिएशन ही माना जाता है, लेकिन कुछ तरह के रेडिएशन बीमार कर सकते हैं, खतरनाक और सुरक्षित। इस लिहाज से हम रेडिएशन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होता है जिनमें तरंगों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट तरंगे जैसे एक्सरे और गामा रेज, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पे ये असर छोड़ सकती हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बार बार एक्सरे ना कराएं। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी ज्यादा देर बैठने को मना किया जाता है। हालांकि इन सबके बीच एक सवाल और उठता है कि आखिर भारत को 5G टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई है। दुनिया में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 4G को भारत में धमाकेदार सफलता मिली थी। 5G से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत 90 के दशक में देख रहा था, उसके साकार होने के लिए 5G बेहद जरूरी है। हालांकि जूही चावला ने 5G ट्रायल को लेकर जो चिंता जताई है, ये कितनी सही है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जूही चावला ने जो याचिका दर्ज की है, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये कल होने वाली सुनवाई में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।